एक तरफ गड्ढा मुक्त की बात और दूसरी तरफ झरने बन रही हैं सड़कें। जी हाँ, वाराणसी ज़िले में वर्तमान में इस समय जो मंत्री क्षेत्र के हैं रविंद्र जायसवाल, ये सड़क आशापुर रेलवे क्रॉसिंग से सीधे हवेलिया निकलता है, जहाँ पे देख रहे हैं जनता किस तरह की सोच रही है कि हम जाएं तो किस तरफ जाएं। और लगभग में ये 1 किलो से ज़्यादा सड़क पूरे झरने हो चुकी हैं। और ये जो बगल में सीवर है ये पूरी तरह से जाम हो गया है। सीवर जाम की वजह से ये सड़क पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। इस सड़क का हाल देख सकते हैं आप बुरी तरह से। क्या यही है इस क्षेत्र के जो मंत्री जी कहते हैं काफ़ी विकास हो रहा है, विकास के नारे दौड़ रहे हैं, ये पूरी सड़क इसी तरह से खराब है। बे कितना दिन हमको लग रहा है, हमको आए यहाँ 5-6 साल हो गए हैं, तब से ही खराब है। तब से खराब है। क्या क्या दिक्कत होती है, कारण क्या है खराब होने का, पानी या फिर पानी नहीं जाता है, पानी क्या इधर नाली नहीं है। ये कौन सी जगह है दी? ये लोहिया नगर फेस्ट हुए। इस क्षेत्र के विधायक भी है रविंद्र जायसवाल के? इतना हमको पता नहीं है। अच्छा, दिक्कत क्या क्या होती है? दिक्कत तो सारी है, देखो आने जाने में पानी हमेशा लगा रहता है। क्या बच्चे उच्चे गिर जाते हैं, कोई ऐसी हादसा भी हो जाती है सड़क से? बच्चे गिरेंगे ही ना, जब भाई बच्चे हम लोग हैं देख के चलते हैं। वैसे नहीं तो ये पानी जमा रहता ही है सड़क पे। सरकार तो बहुत काम करे, करोड़ों रुपया खर्च करती है, कहती गड्ढा मोपते हैं, तो क्या है जो 6 साल से ऐसी है कि सिर्फ बस नाम की है? आप खुद ही देख रही हैं ना, देख तो रही है सामने ही, बोलने कोई जरूरत ही नहीं है। देख सकते हैं आप ये सड़क की, जहाँ पे गड्ढा मुफ्त के वादे किए जाते हैं, जहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ये आपको तस्वीर ही दिखा देगा कि ये यहाँ 6 साल से लगभग सड़क की हालत इतनी बेहतर बनी हुई है कि कुछ बताने का। अच्छा, ये कब से सड़क खराब है भैया? ये ऐसा है कि मतलब ढेर दिन से, 10-9 साल हो गए। 10-9 साल से है तो फिर ऐसे क्यों है, मतलब इतना दिन से सीवर नहीं बना, इसीलिए कभी सड़क की मरम्मत भी नहीं होती है क्या इसकी? नहीं, इसका कहाँ होता है, दिख नहीं रही है। ये क्षेत्र की कौन है मुखिया, कोई तो होगा? ये ऐसा है कि ये बगल वाला जो मकान है उसको पूछेंगे, बता देंगे। ये किसके विधायक के किसी क्षेत्र में आता है कि नहीं? विधायक सभासद में आता है। अच्छा, दोनों में है। कौन है विधायक क्षेत्र के या मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल, कौन है? ये पता लगाना पड़ेगा उनसे, क्योंकि हम जिसके गांव गए। अच्छा, दिक्कत क्या होती है आने जाने में? दिक्कत ये पानी भरा है, देख रहे हैं गाड़ी आ रही है। ये काफी कीड़े भी पड़े हुए हैं। ओहो।